मांडर से जेवीएम प्रत्याशी बंधु तिर्की 85 दिनों के बाद जेल से बाहर आ गए। बंधु तिर्की नेशनल गेम्स घोटाला और एक अन्य मामले में बेल मिलने के बाद होटवार जेल से बाहर आ गए हैं। बंधु तिर्की के समर्थकों ने जेल के बाहर उनका भव्य स्वागत किया, जिसके बाद बंधु तिर्की ने मांडर विधानसभा क्षेत्र के 5 प्रखंड में चुनावी बैठक। पचासी दिनों के बाद बंधु तिर्की आज बेल पर बाहर निकले हैं, क्योंकि खास इसलिए भी हो जाता है, मांडर से ये जेवीएम के प्रत्याशी हैं और लगातार जेल में रहते हुए भी नॉमिनेशन फाइल करने के लिए आप पहुंचे थे। 85 दिनों के लंबे अंतराल के बाद बंधु जी आप बाहर आ रहे हैं, किस तरह से चुनावी रणनीति अब करेंगे ताकि विरोधी जो है वो चारों खाने चीत हो जाए? अभी मैं अपने तमाम साथीगण से लोगों के साथ, पांचों पांच प्रखंड है, पांच प्रखंड के नेताओं के साथ बैठ करके पूरी स्थिति को मैं जानकारी, हालांकि मैं ले रहा था जानकारी, मुझे आके खबर दिया जा रहा था। मैं जाऊंगा, अभी बैठूंगा, उसको बैठने के बाद में पूरा उनके साथ पूरा उसको समीक्षा करने के बाद पूरा स्ट्रेटेजी बन जाएगा, और कल से लगातार जितना दिन बाकी है मैं प्रयास करूंगा कि पांचों प्रखंड के जनताओं के पास पहुंचने का काम करूंगा। बाकी हमारे जो कार्यकर्ता हैं, प्रखंड के नेता हैं, ये सारी बातों को लोग डिलीवरी कर रहे हैं। बार बार आप बोलते हैं कि चुनाव बंधु तिर्की नहीं लड़ रहे, वहाँ मांडर की जो जनता है वो लड़ रही है चुनाव में, किस तरह से इस पूरे चुनाव को आप मांडर में देख रहे हैं? नहीं देखिए, चूंकि लगातार मैं जनता के साथ में विगत 14 में चुनाव हारने के बाद भी जनता के साथ रहा हूँ, उनके साथ हमारा संपर्क सीधा रहा है, इसलिए ये जनता खुद इस चीज को रियलाइज करती है, हमारी आवश्यकता उनको महसूस होती है, और खुद वे लोग, जनता खुद लड़ रहा, जो स्थिति है अपने तरीके से, अपने खर्च करके, सारे चीज से लेकर के, अपना सुबह से शाम तक सुनते हैं कि लोग घूम रहे हैं पूरे इलाके में।